अस्सलामुअलैकुम बड़े शाह। वालेकुम सलाम रहमत मियाँ, बैठो। जी शाह जी, आपका पैगाम मिला था। हाँ, मैंने तुमसे कुछ आने वाले दिनों के लिए बहुत ज़रूरी बातें करनी। हुक्म शाह जी। जैसा कि तुम देख रहे हो कि महबूब शाह हाथों से निकलता जा रहा है, बल्कि हाथों से निकल चुका है। शाह जी, अब उसे जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ चीजें खुद ब खुद ठीक नहीं होती बाबा, उन्हें करना पड़ता है। और महबूब शाह इस वक्त एक अड़ियल घोड़े की तरह है, उसे लगाम डालना लाजमी हो गया। शाह जी, उसकी शादी करवा देते हैं, जिम्मेदारी पड़ेगी तो ठीक हो जाएगी। नहीं, अभी वो इस काबिल नहीं हुआ। वो घरदारी को अभी नहीं चला सकता। रहमत, अब खुद ही देखो उसने कितनी गिरी हुई हरकत की है, और उनका जर्फ देखो। मैंने उसे माफ कर दी। ठीक कह रहे हैं शाह जी आप, लेकिन ये कब तक चलेगा? अगर उसने दोबारा कोई नया चांद चढ़ा दिया तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शाह जी, मैं उस पर नजर रखता हूँ और मेरी ये कोशिश होगी कि ऐसा कुछ ना हो। हाँ, वो तुमसे एक और भी जरूरी काम था, ये चेक लो और शहर जाओ, बैंक से पैसे निकलवाओ। बाबा वो दरगाह से चंदा चोरी हुआ ना, वो भी तो पूरा करना है। ये लो। शाह जी, बैंक से पैसे निकलवाने के लिए शहर जाना पड़ेगा। हाँ तो जाओ ना, क्या मसला है? शाह जी, वो तो रात को चला जाऊंगा, पर वो क्या? बड़े शाह जी, मज़ारों के कुछ काम थे, उनकी ज़रूरत की चीज़ें कुछ लानी थी। अगर आप कहें तो महबूब शाह को। नहीं, महबूब शाह नहीं, महबूब शाह को अब हम ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं सौंप सकते। तुम किसी और बंदे का इंतखाब करो। शाह जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने बड़े लड़के को कह देता हूँ, वो पढ़ा लिखा है, वो काम को समझता है। हाँ ठीक है, तुम उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसे पैसे दे दूंगा। ठीक हो गया। ठीक है, अब तुम जाओ।